नमस्ते, मैं हूं सचिन गोयल और जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में महामारी के कारण हाहाकार मचा हुआ है। लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन ऑक्सीजन मिल नहीं रही है और लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से तड़प तड़प कर अपनी जान दे रहे हैं। सबको यही डर लगा हुआ है कि न जाने हमारा क्या होगा, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस परिस्थिति से लड़ने के लिए आपके अपने पास ही, आपके अपने घर पर ही ऐसे ऐसे उपाय मौजूद हैं जिनको अपनाने से ऑक्सीजन का लेवल कम ही नहीं होगा, और अगर किसी का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा हो तो भी तुरंत बढ़ जाएगा। इन उपायों को अपनाकर आप अपनी और अपने कई करीबी लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। मैं आज आपको ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे ही उपाय खुद करके दिखाऊंगा, ताकि आप इनको करने का सही तरीका जान सकेंगे और ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए कौन सी चीजें खानी चाहिए ये भी इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए आप पूरा वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा। जो लोग कोविड पेशेंट हैं, घर पर ही रहकर अपना इलाज कर रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होने की नौबत नहीं आई है, वो अपना ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ाएं? जो लोग कोविड पेशेंट नहीं है, बिल्कुल हेल्दी हैं, वो अपना ऑक्सीजन लेवल सही कैसे रखें, ये जानिए और अपने पूरे परिवार को, बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको फॉलो करवाएं। ये आपके फेफड़ों को, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को एकदम हेल्दी रखेगा, मजबूत रखेगा, फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ाएगा, फेफड़ों में ज्यादा ऑक्सीजन खींचने की ताकत आ जाएगी, आपके लंग्स अच्छे से फूलेंगे और आप पहले से ज्यादा गहरी सांस ले सकेंगे। ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए आपको एक टेक्निक यूज करनी है, जिसको अवेक प्रोनिंग टेक्निक कहते हैं। इसमें आपको बेड पर या जमीन पर जो गद्दा या दरी होती है, उस पर तीन जगह पर तकिए रख लेना है। एक तकिया आपको सिर की तरफ रख लेना है, दूसरा तकिया आपको पेट के एरिया के नीचे की तरफ रखना है, जहाँ दोनों पैर धड़ से जुड़ते हैं, लगभग उस जगह पर रख लेना है, और तीसरा तकिया आपको पैरों की तरफ रख लेना है। अब आपको क्या करना है, आपको या जो भी कोविड पेशेंट है उनको इन तकियों के ऊपर पेट के बल लेटना है, यानी उल्टा लेटना है। जी हाँ दोस्तों, आपको सीधा नहीं लेटना है बल्कि उल्टा लेटना है। लेटते टाइम ये ध्यान रखना है कि बीच वाला तकिया पेट पर नहीं आना चाहिए, और अगर पेट पे आपकी चर्बी ज्यादा है, इससे आपका पेट जमीन पर लग रहा हो, तो इस बीच वाले तकिए के ऊपर आप एक दो तकिए और रख लीजिए। इससे आपका पेट अच्छी तरह फूलेगा और सांस अच्छी तरह से आएगी। ये सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है इस प्रोनिंग टेक्निक में, जो हर कोई नहीं जानता है, इसलिए ठीक से नहीं बता पाता है। हाथों की जो पोजीशन है, वो आप इस तरह से रख सकते हैं कि कोई सा भी एक हाथ नीचे रहे और दूसरा हाथ ऊपर की तरफ रहे। थोड़ी देर में आपको हाथ एक ही पोजीशन से हटाने की जरूरत लगे तो पहला हाथ नीचे और दूसरा हाथ ऊपर कर लीजिए। आप चाहें तो अपने दोनों हाथों को एक साथ ऊपर भी रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप अपने दोनों हाथों को मोड़कर अपने सिर के नीचे भी रख सकते हैं। तो जैसे भी आपको आराम मिले आप वैसे करें। आप जितना ज्यादा देर इस पोजीशन में उल्टा लेटेंगे, आपको उतना ज्यादा ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसे मेरे जानने वाले कई लोगों ने ट्राई भी किया है, जिनका ऑक्सीजन लेवल 85 आ रहा था, इस तरह उल्टा लेटने से सिर्फ आधे घंटे में ही उनका ऑक्सीजन लेवल 94-95 हो गया। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं इससे, डॉक्टर्स भी सबके लिए इसको सजेस्ट कर रहे हैं। अब तो आए दिन अखबारों में भी इस टेक्निक को यूज करने के लिए लगातार छापा जा रहा है, इसलिए मैं ये टेक्निक पूरी तरह से आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ। तो कम से कम आप एक बार में आधा घंटा इस तरह से जरूर लेटें, दो घंटे तक आप इस तरह से लेट सकते हैं। एक बार में ज्यादा देर आपसे इस तरह नहीं लेटा जाए तो आधा आधा घंटे के लिए पूरे दिन में 14-15 बार तक भी आप इस तरह कर सकते हैं। जब आपको लगने लगता है कि अब मैं थक गया हूँ या थक गई हूँ, तो आप सारे तकिए हटा दीजिए और दाईं तरफ राइट हैंड की साइड सीधे हाथ की तरफ करवट लेकर कुछ समय लेट जाइए, और फिर थोड़ी देर के बाद इसी तरह आप बाईं तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड की साइड भी करवट लेकर लेट सकते हैं। इनके बाद आप चौथी पोजीशन जो कर सकते हैं, उसमें बेड या दीवार के सिराने पर तकिया लगा लें और आप इस तरह से थोड़ा पीठ को पीछे झुकाकर आराम से बैठें, बिल्कुल सीधे नहीं बैठें और बिल्कुल लेट भी नहीं जाएं। इस तरह उल्टा लेटने की प्रोनिंग टेक्निक ऑक्सीजन लेवल तुरंत बढ़ाने में इसलिए हेल्पफुल होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में हमारे फेफड़ों की पोजीशन इस तरह से होती है कि उनका एक तिहाई भाग तो आगे छाती की तरफ होता है और बाकी दो तिहाई भाग पीछे पीठ की तरफ होता है। तो जब हम इस तरह प्रोनिंग टेक्निक अपनाते हैं, उल्टा लेटते हैं, तो हमारे छाती की साइड के सिर्फ एक तिहाई फेफड़ों पर हमारी बॉडी का दबाव रहता है और दो तिहाई फेफड़े यानी फेफड़ों के ज्यादा हिस्से पर से हमारी बॉडी का दबाव खत्म हो जाता है। इससे ये होता है कि जब हम उल्टा लेटकर धीरे धीरे गहरी सांस लेते हैं, तो हम हमारे फेफड़ों के ज्यादा हिस्से में ऑक्सीजन भर पाते हैं और तुरंत ऑक्सीजन लेवल ऊपर उठना शुरू हो जाता है। इसलिए अगर आप कोविड पेशेंट हैं, तो आपको सांस लेने में तुरंत आराम आ जाएगा, आपका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहेगा, और अगर लो हुआ है तो बहुत ही जल्दी बढ़ जाएगा। आप ऑक्सीमीटर से नाप के देख सकते हैं, आपको रिजल्ट्स तुरंत दिख जाएंगे। ये टेक्निक डॉक्टर्स भी शेयर करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सेफ है। आप घर पर अपना ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए इसे यूज कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपकी स्थिति बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, तो आप तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, तुरंत हॉस्पिटल जाएं। ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी प्राणायाम बहुत जरूरी है।
इसीलिए बार बार आयुष मंत्रालय भी लगातार टीवी, रेडियो और अखबारों के माध्यम से ये कह रहा है कि डेली सुबह कम से कम आधा घंटा ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम, योग और ध्यान जरूर करें। इससे कोरोना संक्रमण होने से बहुत हद तक बच सकते हैं और अगर संक्रमण हो भी जाए तो फेफड़ों के खराब होने की स्थिति से बच सकते हैं। इसमें एक तो भस्त्रिका प्राणायाम बहुत अच्छा होता है। भस्त्रिका प्राणायाम में गहरी सांस अंदर भरनी है और फिर उसको उसी स्पीड से बाहर छोड़ देना है जिस स्पीड से सांस को अंदर लिया था। धीरे धीरे आराम से करें। जो कोरोना के पेशेंट हैं वो भी कर सकते हैं और जो लोग हेल्दी हैं वो भी इसको कर सकते हैं। ये आप रोजाना कम से कम 15 से 20 बार करिए। सिर्फ 10-15 बार करने से ही आपके फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ जाएगी और उनको बहुत मजबूत कर देगी। इससे आप अच्छी गहरी सांस ले पाएंगे और एक बार में ज्यादा ऑक्सीजन अपने अंदर खींच पाएंगे। अगर कोरोना है तो भी और नहीं है तो भी अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करना चाहिए। इसमें एक नाक को बंद करके धीरे धीरे सांस लेकर फेफड़ों में भरते हैं और फिर दूसरी नाक से उसी स्पीड से सांस छोड़ते हैं। फिर जिस नाक से सांस छोड़ी है उसी से धीरे धीरे गहरी सांस भरते हैं और पहले वाली नाक से सांस छोड़ते हैं। ध्यान रहे, इसको जितना ज्यादा धीरे स्पीड से करते हैं उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन फेफड़ों में जाती है। इसलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम को धीरे धीरे ही करना है। ये न सिर्फ ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाएगा बल्कि आपकी सारी नसों नाड़ियों को भी साफ कर देगा जिससे बॉडी एकदम हेल्दी हो जाती है। दोस्तों, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने के लिए और कोविड से रिकवरी के लिए अस्पतालों तक में स्टीमिंग का यूज किया जा रहा है। मतलब स्टीमिंग बहुत अच्छी इफेक्टिव टेक्निक है। आप अपने घर पर ही स्टीमर या वेपोराइजर की हेल्प से या बिना स्टीमर के भी भाप ले सकते हैं। ये आपके पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लीन और हेल्दी कर देती है। लेकिन सिर्फ पानी की भाप लेना काफी नहीं है, तो क्या करना है? आपको एक भगोनी या पैन गैस पर रख लेना है। अब आपको इसमें डालना है एक गिलास पानी। इस पानी में हमें डालना है आधी छोटी चम्मच अजवाइन और एक चुटकी हल्दी पाउडर। जो हल्दी आप घर में रसोई में यूज करते हैं ये वही हल्दी है। आमा हल्दी, पहाड़ी हल्दी, काली हल्दी जैसे किसी भी बेकार के चक्कर में नहीं पड़ना है। इस पानी को आपको अच्छी तरह इतना गर्म कर लेना है कि इसमें से भाप निकलने लग जाए। अब आपको गैस बंद कर देनी है और बर्तन को गैस पर से उतार लेना है। अब आपको एक तौलिया लेकर अपने सिर के ऊपर रख लेना है और अपने फेस को बर्तन के ऊपर जहाँ से भाप निकल रही है वहाँ लेकर आना है। अगर आपके घर में स्टीमर है तो आप वो यूज करें, लेकिन जिनके घर में स्टीमर नहीं है वो इसको लेने बाजार नहीं भागें। भगोनी या पतीले को ही इस तरह यूज करें जिस तरह मैं करके दिखा रहा हूँ। ध्यान रहे, अपनी आंखों को बंद ही रखें ताकि उन पर गर्म हवा नहीं लगे। आपको अपनी नाक से सांस लेते रहनी है और साथ ही मुंह खोलकर मुंह से भी सांस लेनी है। इससे ये भाप फेफड़ों के साथ साथ गले में भी जाएगी और डबल प्रोटेक्शन देकर कोविड से सही तरीके से बचाएगी। मुंह से सांस नहीं लेंगे तो आपको आधा फायदा ही होगा। आप ये पानी और अजवाइन स्टीमर या वेपोराइजर में डालकर उससे भी इसी तरह स्टीम ले सकते हैं। दोस्तों, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने और सांस लेने में जो तकलीफ होती है उसको तुरंत दूर करने के लिए एक घरेलू नुस्खा आपको बता रहा हूँ और ये वाकई में बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है। देखिए, इसको इस तरह से बनाना है। आपको एक साफ सूती कपड़ा ले लेना है, जैसे कोई रुमाल वगैरह ले सकते हैं। इसमें आपको ये 5 लौंग रख लेनी है। छोटी वाली 2 हरी इलायची को उंगलियों से दबाकर थोड़ा सा खोलकर रखना है ताकि इसकी महक आपको आ सके। अजवाइन आपको डालनी है 1 छोटी चम्मच और ये है कपूर दोस्तों, लेकिन ये कपूर देसी कपूर है जो कि शुद्ध होता है। यही देसी कपूर या भीमसेनी कपूर के नाम से जो मिलता है वही आपको लेना है, क्योंकि बाकी सारे टिकिया वाले कपूर जो बाजार में आते हैं उनमें केमिकल खूब होता है। तो इस देसी कपूर के ये 2-3 छोटे टुकड़े आपको डाल लेने हैं। अब आप इस कपड़े को फोल्ड करके इस पर कोई रबर बैंड या धागा बांधकर इसकी पोटली बना लीजिए। ये आज के टाइम में हर किसी को अपने पास हमेशा रखनी चाहिए। अब इसका करना क्या है, आपको इस पोटली को अपनी नाक पर लगाकर सूंघना है। आप देखेंगे कि इसको सूंघने से आपको बहुत अच्छी और गहरी सांस आएगी। तो इसे आप हर आधे घंटे के बाद कुछ गहरी सांसों के साथ अपनी नाक पर लगाकर सूंघते रहें। ये भी आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने में, आपकी डीप ब्रीदिंग में आपकी मदद करती है। पहाड़ों पर चढ़ने वाले लोग ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन कम होती है। इसलिए ये आजमाया हुआ नुस्खा है, बहुत काम करता है। आप इसको जरूर करें। जब इसमें कपूर खत्म हो जाए तो फिर से कपूर ऐड कर लें। ये पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी रखने में मदद करती है। आपको जुकाम और कफ की प्रॉब्लम नहीं होने देती, आपकी नाक को बंद या ब्लॉक नहीं होने देती। अगर आपको जुकाम हो गई है तो उसमें भी नाक को खोल कर रखेगी और आपको राहत दिलाएगी, और ये साइनस में भी फायदा करती है। ये बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया है, आप इसको जरूर ट्राई करें। दोस्तों, बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए और ठीक रखने के लिए कौन सी चीजें खानी चाहिए ये आपको कहीं भी कोई भी नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। दोस्तों, कमरों में तो ऑक्सीजन का लेवल बाहर खुली हवा की तुलना में पहले से ही कम होता है, और अगर आप ये खास चीजें नहीं खाएंगे तो उस कम मिल रहे ऑक्सीजन को भी बॉडी पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए आपको ऐसी चीजें खानी है जिनमें आयरन खूब होता है, क्योंकि ये आयरन ही बॉडी में ऑक्सीजन को सब जगह पहुंचाता है। स्कूल में पढ़ा था ना विज्ञान में, वही बात है। तो आयरन मिले इसके लिए क्या क्या खाएंगे, हरी पत्तेदार सब्जियां अच्छी मात्रा में खानी है, जैसे पालक, चौलाई, हरा धनिया, पुदीना वगैरह, ये सब खाना है।
इन सब में खूब आयरन होता है और फाइबर भी होता है जो पेट को भी सही रखेगा। कई तरह के बीज जो खाने के काम में आते हैं वो खाने हैं, जैसे अलसी हो गई, तिल हो गए, कद्दू के बीज हो गए, सूरजमुखी के बीज हो गए, इन सब में भी खूब आयरन होता है, लेकिन इनको बहुत ज्यादा भी नहीं खाना है, थोड़ा खाना है, 2 से 3 चम्मच खा सकते हैं रोजाना। सभी तरह के अनाज जैसे गेहूं, जौ, बाजरा, चावल, ज्वार, मतलब सब तरह का अनाज खाएं। जो सब तरह का नहीं खा सकते वो जो मिल जाए वही अच्छी मात्रा में ले लें, ये आयरन भी देगा और ताकत भी देगा, दोनों काम हो जाएंगे। दालें जितनी भी होती हैं वो सब आयरन देती हैं बॉडी को और साथ में भरपूर प्रोटीन भी देती हैं, जिसकी कोविड में सबसे ज्यादा जरूरत है सेल्स और टिश्यूज को वापस बनाने में। तो दालें खाने से आयरन और प्रोटीन दोनों मिल जाएंगे, तो ऑक्सीजन भी बढ़ेगी और ताकत भी बढ़ेगी। आप दाल का सूप बनाकर भी पी सकते हैं, दालों से जिंक भी मिल जाएगा आपको, जिसकी गोलियां आजकल कोविड पेशेंट को दी जा रही है रिकवरी के लिए। बीन्स यानी कि जितनी भी फलियां होती हैं वो सब की सब आयरन से भरपूर होती हैं और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से भरपूर होती हैं, तो फलियों से आपको आयरन के साथ साथ विटामिन्स भी मिल जाएंगे। आयरन वाली ये सब चीजें आप खा तो लेंगे, लेकिन ये काम कब करेगी? ये काम तब करेगी जब आप विटामिन सी से भरपूर चीजें जैसे कि नींबू हो गया, संतरा हो गया, टमाटर हो गया, इस तरह के स्वाद में खट्टे फल और सब्जियां खाएंगे। इससे क्या होगा? इससे बॉडी में आयरन का अवशोषण यानी कि बॉडी में आयरन बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होगा और फिर ये आयरन अपनी पूरी क्षमता से बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाएगा। विटामिन सी के बिना बॉडी में जाने वाला आयरन ठीक से हमारे खून में घुलता ही नहीं है और वेस्ट के रूप में पॉटी के साथ बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसलिए खट्टे स्वाद वाले फल और सब्जियां जरूर खाएं, लेकिन हर उपाय में एक बात जरूर ध्यान रखें कि किसी भी चीज की बहुत अधिकता नहीं करें, क्योंकि कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा की जाए तो भी हानिकारक होती है। ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए एक और चीज जो आपको लेनी है वो है पानी। क्यों लेना है? क्योंकि पानी ऑक्सीजन का सोर्स है। पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो ही चीजें मेन होती हैं। आपने सुना होगा जो पहाड़ों पर ऊंचाई पर जाते हैं वो पानी खूब पीते हैं। क्यों पीते हैं? क्योंकि बहुत हाइट होने पर जब ऑक्सीजन कम हो जाती है ना, तो उस ऑक्सीजन का दूसरा सोर्स पानी ही तो होता है। इसलिए आप दिन भर में कम से कम 10 ग्लास पानी जरूर पिए। अगर हल्का गर्म पानी पिए तो बेस्ट है, ये फेफड़ों को भी हाइड्रेट रखेगा, जिससे फेफड़े ऑक्सीजन ज्यादा खींच पाएंगे। इस वक्त इन छोटी छोटी बातों की हर एक इंसान को बहुत जरूरत है। इंसानियत के नाते आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सब स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें। आप इसे फॉलो कीजिए और मेरे इसी तरह के बहुत आसान घरेलू नुस्खे देखते रहने के लिए जयपुर द पिंक सिटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।